फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। सो कल का वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। सो आगे भी मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहूँगी। एंड आज मैंने व्लॉग का स्टार्ट मतलब व्लॉग शुरू ही नहीं किया सुबह सुबह। मतलब मैं भूल ही गई आज की मैं व्लॉग भी बना रही हूँ क्या, मतलब डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ क्या। आज तो इतना दिमाग से निकल गया कि अभी 1 बज गया है और अभी तक नहीं पता मुझे कि क्या करना है, क्या बनाऊंगी। क्योंकि डेली व्लॉगिंग एक टास्क ही है बेसिकली, तो थोड़ा सा हाँ बहुत डिफिकल्ट होता है मेरे लिए। पर हाँ मैं मतलब डेली मेरा ऐसा होता है कि महीने में 25 दिन में कभी कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, कभी कुछ पेंट कर रही हूँ, कभी कुछ बना रही हूँ, कभी कुछ। सो जब मैं इतनी सारी चीज़ें बना ही रही हूँ, ठीक है, तो क्यों ना मैं उसकी वीडियोज़ ही बना लूँ। इसलिए मैं वो सारे क्राफ्ट वीडियोज़ जो भी होते हैं वो सारे मैं व्लॉग में डाल देती हूँ। ये जो सारे मैंने, ये जो भी मंडाला वगैरह मैंने बनाए थे, ये सब शादी के कुछ दिन पहले मतलब बनाए थे मैंने, तो इनकी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। अगर वो बहुत टाइम पहले बना लिए होते तो शायद मैं कर लेती, पर अभी मैं ये दोबारा बनाने का सोच रही थी तो यहाँ आसपास में वो मतलब मैंने कोई MDF बोर्ड से नहीं बनाए, ठीक है, ना ही वो पलाई जो आती है उससे मैंने वो यूज़ नहीं किया है, क्योंकि वो मुझे प्रॉपर साइज़ में नहीं मिला था। और मतलब एक होता है कि थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, अभी ये स्टार्ट है इसलिए थोड़ा सा। हाँ अगर उनका कोई मतलब निकले तब तो मैं MDF बोर्ड पे बनाऊं, बट जब मैं वहाँ थी तो मैंने जो केक वाले जो शीट आती है, केक के नीचे जो शीट लगी हुई आती है, वो बहुत हार्ड आती है, MDF जैसी आती है, तो वो मुझे बेटर लगा, तो मैंने वो सारा उन्हीं पे ही बनाया है। और ये सब मेरे पास बहुत सारे थे तो मैंने सब बना बना के इधर उधर कर दिए। और अभी मतलब कुछ दिन पहले मैं ये वापस वो केक वाली शीट लाने गई थी गुड़ा, तो मिली तो थी पर वो ऐसी थी कि वो लुगदी नहीं आती है जो कि ऐसे ऐसे करो तो टूट जाएगी, तो वो कोई काम की नहीं थी, ठीक है, और उस पर कलर भी करो तो एकदम अजीब ही लगता वो। इसलिए मैंने सोचा अब अगर फिर कभी जयपुर जाना होगा या फिर कहीं आसपास में अगर कहीं अच्छी मिलेगी तो मैं वहाँ से परचेज करके देन इनकी वीडियोज़ भी डालूंगी। मतलब मुझे मंडाला तो बनाना है, बहुत सारे मंडाला बनाने हैं, ऐसा लगता है पूरी दीवार मंडाला से भर दूँ। ये बनाने में भी लेकिन बहुत हार्ड है, वैसे इजी है, दिखने में लगता है कि हाँ डॉट 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 करके ही बनता है, हाँ इजी है, लेकिन इनको ना इतनी बारीकी से बनाना पड़ता है कि वो पूरा टाइम ले लेता है। और एक दिन लगता था मुझे एक मंडाला बनाने में, क्योंकि वो जो गोलाई में भी वो डॉट डॉट करने होते हैं ना, तो वो भी बराबर करना बहुत मुश्किल होता है। सो यस, मंडाला का डिस्कशन हम बाद में करेंगे। और अभी मैं चॉपस्टिक से कुछ बनाने का सोच रही थी, फिर मैं पानी पीने के लिए गई थी किचन में तो मुझे ये जो डिस्पोजल ग्लास है ये दिख गए थे। मैं सोच रही इनका फ्लावर पॉट बना लूँ या फिर इनका भी चॉपस्टिक से कुछ जुगाड़ हो सकता है। सो अभी हम मतलब ये सब बहुत काम की चीज़ है। और थर्माकोल शीट भी है, उसका बनाने का सोच रही थी तो उसका मुझे इतना कुछ खास दिखा नहीं, तो वो मैं बाद में अगर कभी होगा तो वो बनाऊंगी। और जो फोम वाली प्लेट आती है उनसे भी बहुत अच्छे अच्छे क्राफ्ट्स बनते हैं, जो छोटे वाले कप आते हैं उनसे भी बहुत अच्छे क्राफ्ट्स बनते हैं। सो अभी तो मैं ये यूज़ करूँगी डिस्पोजल ग्लास। ये वो प्लास्टिक वाले नहीं है, ये कागज वाले हैं, तो मैं टेम्परेरी बनाती हूँ कोई भी चीज़। मतलब अगर उसको परमानेंट रखना है तो हाँ मैं वो भी बना सकती हूँ, पर जब मुझे पता है कि कुछ चीज़ों से मैं थोड़े दिन बाद बोर हो जाऊँगी तो मैं अपने लिए मतलब यहाँ जो भी बनाती हूँ मैं तो इतना भी टेम्परेरी नहीं बनाती। पर हाँ अभी मेरे पास वाइट सीमेंट नहीं है, और मैंने एक बार ट्राई किया था वाइट सीमेंट से तो वो बिखर गया था, तो वो मुझे लगता है कि वो कुछ और आता होगा या वो कोई और पाउडर आता होगा, सो उसका भी मैं ट्राई करूँगी, वो भी सेम बनता है।
पर अभी के लिए तो ये कर। तो फ्लावर वास बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे दो डिस्पोजल ग्लास, और एक को उल्टा और एक को सीधा, ऐसा मतलब ये जो इनकी किनारियाँ हैं ये हम इनको जोड़ देंगे। आप चाहो तो फेविकोल यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो मास्किंग टेप यूज़ कर सकते हो, पर मैं इनको ग्लूगन से जो है वो चिपकाऊँगी ऐसे। तो ये फ्लावर वास हमारा रेडी है, और ये जो मैंने इसमें फ्लावर्स ऐड किए हैं ये भी मैंने खुद ने ही बनाए थे क्रेप पेपर से। सो इन ये भी मैं अभी कुछ दिन में बनाऊंगी, सो इनका भी मैं वीडियो आगे आने वाले व्लॉग्स में डालूंगी। तो इन डिस्पोजल वास पर कोई और कलर भी हो सकता था, कोई और डिज़ाइन भी हो सकती थी, सो अभी मुझे दिमाग में यही आया सो मैंने यही बना दिया। और आगे भी मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगी, ये जो डिस्पोजल ग्लास है इनके वास वगैरह, सो वो मैं थोड़ा डिफरेंट बनाऊंगी, क्योंकि अभी ऐसा कुछ इनमें पूरा टाइम चाहिए होता है और अभी मुझे सोना था क्योंकि पूरी दोपहर निकल जाती है इनमें, सो थोड़ी बहुत देर भी फिर मैं नहीं सो पाती हूँ। सो यस, अभी के लिए इतना ही, बाकी कल वाले व्लॉग में देखते हैं मैं क्या बनाती हूँ। सो यस, हमारे फ्लावर वास जो है वो रेडी है, बहुत सिंपल, बहुत इजी, बहुत क्विक बनने वाला ये क्राफ्ट है, और बहुत सारी डिज़ाइन हो सकती है पर अभी मुझे यही लगा सो मैंने यही किया। ओह वाह, ये भी सही है यार, मतलब अब मेरा मन कर रहा है इसको मैं सिंगल एक ही बनाऊं। ये जो मैंने दो अलग बनाए इनके बजाय मुझे ये अच्छा लग रहा है। वाओ, सो अगर आप चाहो ऐसा कुछ बना रहे हो तो इसको ऐसे भी टाइप कर सकते हो, और
आपके पास अगर कोई कॉर्नर खाली है एकदम, मतलब जहाँ पर आपको थोड़ा सा लंबा सा आवाज चाहिए, तो ऐसा भी कुछ ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है। इवन मैं सोच रही हूँ मैं टेबल पर यही रखूँ, और फ्लावर्स तो बाद में देखा जाएगा आगे आने वाले व्लॉग्स में मैं बनाऊंगी वो वाले तो, पर अभी मेरा मन कर रहा है मैं इसको ऐसे ही रखूँ, तो देखती हूँ ऐसे रखती हूँ या ऐसे। बहुत सारी मैं बनाने वाली हूँ ये डिस्पोजल ग्लास वाले क्राफ्ट, बहुत डिफरेंट डिफरेंट। कुछ में जो होगा वाइट सीमेंट यूज़ होगी, कुछ में मंडाला वाली डिज़ाइन हो सकती है, कुछ में पेपर से जो न्यूज़पेपर आता है उससे, पर वो बहुत डिफरेंट होगा। सो यस, अभी के लिए तो जितना क्विक बनने वाला, अगर किसी को चाहिए कि हाँ मुझे जल्दी 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 बनाना है, जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, ना कोई झंझट ना कुछ और, सो यस टेम्परेली आप ये बना सकते हो, बेस्ट है। पर मैट भी अच्छे हैं, मतलब ये भी बहुत सही है, ये भी हटता नहीं है, वाटरप्रूफ है। लेकिन जो पेरल वाले हैं वो इनसे भी अच्छे, मतलब वाटरप्रूफ से भी अच्छे ही हैं। सो पेरल वाले थोड़ा शाइनी होते हैं, जिनमें कि थोड़ा सा ग्लिटर होता है, मतलब ग्लिटर भी बहुत बारीक होता है, ऐसा अलग से नहीं दिखता है वो, तो वो कलर्स भी बहुत अच्छे हैं। मंडाला के लिए वो कलर बेस्ट रहेंगे, और अगर आपको मैट में चाहिए तो ये बहुत सही रहेगा, फेविक्रिल वाले। और कैलमिन के भी अच्छे आते हैं, पर मुझे, मतलब ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कि मैं एक्रेलिक को प्रेजेंट करी हूँ, नहीं, मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कैलमिन वाले भी यूज़ किए हैं। कैलमिन वाला जो कलर होता है उसका ये सीन है कि वो जब हम उसको वाटर में मिक्स करते हैं ना, तो वो पता नहीं पोस्टर कलर के जैसा अलग ही कुछ निकल के आता है, को मतलब ढंग से मिक्स भी नहीं होता है, और उस पर अगर पानी लग जाता है तो वो हट जाता है। मुझे तो यही बेस्ट लगता है सबसे अच्छा। और जो आउटलाइनर है ये मेरे पास ब्लैक में है, ये भी फेविक्रिल, और मेरे पास गोल्डन आउटलाइनर भी है, बहुत सारे कलर में आते हैं, ग्लिटर भी आता है, तो वो सारे भी मैं फेविक्रिल वाले ही यूज़ करती हूँ। और जो ग्लास कलर है वो भी मैं फेविक्रिल वाले ही यूज़ करती हूँ। और मंडाला टूल तो पता नहीं, मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे सो वो तो मुझे नहीं पता, बट वो भी बहुत तरह के आते हैं, बहुत तरह के। और बहुत सारे क्राफ्टर ऐसे होते हैं जो कि कैनवास पर बनते हैं, कैनवास शीट होती है उन पर मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा उसको बजट फ्रेंडली रखा जाए, कैनवास शीट यार। हाँ आती, ज़्यादा महंगी तो नहीं आती है, मतलब ये कोई साइज़ आएगा, A4 ये आएगा 80 रुपीज़ पर, होता है किसी किसी के लिए अगर आप बना रहे हो तो थोड़ा बहुत हो जाता है कि नहीं यार हमें टेम्परेली बनाना है कुछ, वो नहीं चाहिए। सो उसकी जगह आप कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हो, और या फिर थर्माकोल आप यूज़ कर सकते हो, पर थर्माकोल के ऊपर जो टिश्यू पेपर आता है उसको लगा कर आप यूज़ कर सकते हो। सो वो मैं आने वाले कल या परसों वाले जो भी वीडियो होंगे उनमें वो मैं बनाने वाली हूँ, सो वो सब कल परसों ही देखना।